Welcome, my dear students. How are you? I think you all are fine. Now I am going to teach you Standard 1, Chapter 2. Topic is number from 1 to 10. Okay, let's go. Number from 1 to 10. सबको पता है ना नंबर 1 टू 10 प्रैक्टिस क्या है हाथ से काउंट करके 1 टू 10 तक शायद सब प्रैक्टिस कर चुके होंगे ओके ये वाला हाथ से प्रैक्टिस किया है कि नहीं दोनों हाथ से देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और ये 9 ऐसा हाथ से हाथ में दिखा के खुद आपने प्रैक्टिस किया होगा शायद आगे जाएंगे अभी देखो ये हो गया नंबर फ्रॉम 1 टू हो गया क्या नंबर फ्रॉम 1 टू 10 इसे नंबर 1 टू 10 तक प्रैक्टिस किया होगा ना शायद ये टेबल में एक काम करेंगे ये देखो इधर 1 बॉल है इसीलिए क्या हुआ इधर 1 लिखा हुआ है ऐसा तुम क्या करोगे इस 1 को और 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख के ये बॉक्स को फिलअप करोगे ओके इधर देखो 1 से एक ज़्यादा 2 बॉल्स इसीलिए उधर 2 लिखा हुआ है 2 से ज़्यादा बॉल कितना हो गया एक ज़्यादा हो गया तो 1 ज़्यादा मतलब 3 से 1 मोर हो जाएगा 4 और 4 से 1 मोर हो जाएगा 5 बॉल्स बॉल्स का इमेज दिया है ना इधर और 5 बॉल्स से 1 मोर हो जाएगा 6 बॉल्स एंड 6 बॉल्स से 1 मोर हो जाएगा 7 बॉल्स और 7 बॉल्स 1 मोर हो जाएगा 8 बॉल्स 8 बॉल्स 1 मोर हो जाएगा 9 बॉल्स एंड 9 बॉल्स से एक ज्यादा हो जाएगा 10 बॉल्स ओके तुम क्या करोगे इस टेबल को फिल अप करोगे 1 टू 10 तक लिख के ओके आगे हम जाएंगे इसमें इरेज कर लेता हूँ 1 टू 10 तक हम सब लिखना प्रैक्टिस करेंगे ये लिख दिया मैंने 1 ये हो गया 2 ये हो गया 3 ये हो गया 4 ये 5 6 एंड 7 ये 8 ये 9 एंड ये हो गया 10 ओके अच्छा देखो स्टूडेंट्स 1 से आगे कौन सा नंबर है 2 है 2 से आगे 3 है 3 के जस्ट आफ्टर 4 है आगे मतलब जस्ट आफ्टर और पीछे वाला मतलब बिफोर जस्ट बिफोर ओके तो 4 से आगे क्या हो गया 5 5 से जस्ट आफ्टर 6 आ गया 6 से जस्ट आफ्टर 7 आ गया 7 से जस्ट आफ्टर 8 आ गया वैसे 9 उसके आगे है एंड 10 उसके आगे है अगर मैं पीछे जाना चाहता हूँ 6 से पीछे वाला नंबर क्या हो गया ना 5 हो गया मतलब 5 इज जस्ट बिफोर 6 6 से जस्ट बिफोर क्या हो गया 5 हो गया 5 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है 4 है वैसे 4 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है 3 है सॉरी 3 है ओके 3 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है 2 है और 2 से जस्ट बिफोर नंबर है 1 ओके ऐसा हम मालूम है सबका हम प्रैक्टिस किया है 1 टू 10 तक सब हम जानकारी है थोड़ा और मैंने डिस्कशन कर दिया आगे जाएंगे अभी ये देखो ये हो गया पहला वाला हम कुछ फिल अप करेंगे इधर जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर एंड बिटवीन नंबर पहला हम क्या इधर देखो क्या लिखा है इसके हिसाब से हम उसको बॉक्स को फिल अप करेंगे 5 इज जस्ट आफ्टर 4 1 इज डन फॉर यू तो व्हाट इज डन फॉर यू ये देखो 5 इज जस्ट आफ्टर 4 हमको मालूम है ऑब्वियसली 5 4 से बड़ा है इसीलिए 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा इसलिए मैंने बॉक्स में क्या लिखा 5 लिखा 4 से जस्ट आफ्टर 5 ही आएगा इसलिए 5 जस्ट आफ्टर 4 है ऐसा बताओ 6 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा ऑब्वियसली कौन सा नंबर आएगा दिमाग लगाओ और बोलो 6 के जस्ट आफ्टर आ जाएगा हमारा 7 ऐसे 7 का आगे क्या आ जाएगा 8 कौन सा नंबर आ जाएगा 8 वैसा देखो राइट साइड में सॉल्यूशन है 8 इज जस्ट बिफोर 9 बिफोर का मतलब मालूम है पहला वाला नंबर उससे पीछे वाला नंबर मतलब 9 से पहले कौन सा नंबर आएगा
एट आएगा, ऐसे फाइव, फाइव से पहले कौन सा नंबर आएगा, फोर। ऐसे टेबल को तुम अपने किताब में या कॉपी में फिलअप करोगे। ओके, टेन से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आ जाएगा, नाइन। ओके, आगे जाएंगे। ओके, यहाँ देखो ये वाला हम पहले कर चुके हैं। ओके, इधर देखो फोर इज जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर, डैश। ओके, तो फोर जो नंबर है वो कौन सा नंबर के आगे है, फोर इज जस्ट आफ्टर, हम इधर आंसर हो जाएगा थ्री। थ्री के जस्ट आफ्टर नंबर हो जाएगा फोर, मतलब थ्री के आगे वाला नंबर क्या हो गया, फोर हो गया। वैसे नाइन इज जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर, एट, मतलब एट के जस्ट आफ्टर का नंबर है नाइन। टू इज जस्ट आफ्टर वन हो जाएगा, मतलब वन के आगे टू है। वैसे देखो राइट साइड में थ्री इज जस्ट आफ्टर, थ्री इज जस्ट आफ्टर क्या जाएगा, थ्री इज जस्ट आफ्टर टू हो जाएगा, मतलब थ्री जो नंबर है वो कौन सा नंबर का आगे है, टू के आगे है। ओके, फाइव इज जस्ट आफ्टर फोर, मतलब फोर के आगे फाइव है। हम काउंट करके बोल सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब फोर के बाद आ गया फाइव। ओके, ऐसे सेवन इज जस्ट आफ्टर, सेवन इज जस्ट आफ्टर सिक्स, मतलब सिक्स के आगे सेवन आएगा। वन टू थ्री फोर, देखो वन के आगे आ गया टू, टू के आगे थ्री, थ्री के बाद में आ गया फोर, और फोर के बाद में फाइव, फाइव के बाद में सिक्स। ओके, ठीक है, ऐसा तुम प्रैक्टिस करोगे। अच्छा देखो, इधर मैंने टू एग्जाम्पल दिया हूँ, टू इधर मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ देखो। ओके, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव। अच्छा मैंने इस नंबर पर राउंड कर दिया नंबर फोर पर। अच्छा देखो, ये इसका फोर का आगे वाला नंबर क्या है, फाइव है, और फोर का पीछे वाला नंबर क्या है, थ्री है, मतलब फोर के बाएं तरफ है थ्री और राइट के तरफ हो गया फाइव नंबर। तो फोर क्या आ गया, बीच में आ गया कि नहीं, कौन सा नंबर का बीच में, थ्री एंड फाइव, ये दोनों नंबर के बीच में आ गया। तो जो आस उसके आसपास का दो नंबर के बीच में आता है, हम इसको बोलते हैं बिटवीन। क्या बोलते हैं, बिटवीन। हम क्या बोलेंगे इसे, ना फोर इज बिटवीन थ्री एंड फाइव, फोर इज बिटवीन थ्री एंड फाइव, मतलब फोर जो नंबर है वो थ्री एंड फाइव के बीच में है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि थ्री टू एंड फोर के बीच में है। ओके, आगे उसका थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखो डैश इज बिटवीन टू एंड फोर, हम नंबर सिस्टम देख के बोल सकते हैं वन टू टेन तक, कि वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है। वैसे टू एंड फोर के बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना, टू एंड थ्री के बीच में आ जाएगा, यह आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ओके, ऐसा ये सॉल्यूशन देखो, डैश इज बिटवीन सिक्स एंड एट, कौन सा नंबर बोलो, सिक्स एंड एट के बीच में है सिक्स, तुम काउंट कर सकते हो। तो कौन सा नंबर के सिक्स एंड एट हो गया, मतलब सिक्स के आगे होगा और एट के पीछे हो जाएगा नंबर, वो ये हो गया सेवन। देखो सिक्स के आगे सेवन है और सेवन के आगे एट है, मतलब सेवन बीच में है। ओके, तो सेवन के आगे वाला नंबर एट है और पीछे वाला नंबर सिक्स है। वैसे डैश इज बिटवीन थ्री एंड फाइव, इसका आंसर हो जाएगा फोर। डैश इज बिटवीन सेवन एंड नाइन, इसका आंसर आ जाएगा एट। डैश इज बिटवीन एट एंड टेन, इसका आंसर हो जाएगा नाइन, क्योंकि नाइन के आगे है टेन और पीछे है एट, तो नाइन हो जाएगा उसका बीच वाला नंबर। तो फाइव इज बिटवीन फोर एंड डैश नंबर। ये देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, फाइव इधर बिटवीन का नंबर दे दिया। तो फाइव कौन सा दो नंबर के बीच में आएगा, तो उसका आगे वाला और पीछे वाला दो नंबर के बीच में आएगा। तो फाइव का आगे क्या है, सिक्स है, और फाइव के पीछे वाला नंबर हो गया फोर हो गया। तो फोर इधर आंसर में लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे वो जो रेस्ट नंबर हो गया सिक्स। वैसे सेवन इज बिटवीन डैश एंड डैश, सेवन का आगे एट है और सेवन के पीछे कौन सा नंबर आएगा, पहला सिक्स आएगा, मतलब सेवन का आगे वाला और पीछे वाला, आगे वाला और पीछे वाला नंबर। ओके, तो ये हो गया सिक्स एंड एट के बीच में सेवन आएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर का आगे कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर का पीछे वाला नंबर कौन सा है, और बिटवीन में दो नंबर के बीच वाला नंबर को हम
प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 to 10 तक खाता में लिखकर, कॉपी में, अपने कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।